नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नागालैंड के दीमापुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग के घर में लगाई आग। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के 33% आरक्षण के खिलाफ किया जा रहा है प्रदर्शन। दो लोगों की मौत के बाद नागालैंड सरकार ने सेना के जवानों की तैनाती की मांग की। आगरा में आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो करेंगे राहुल अखिलेश। शो के लिए रूट को लेकर आगरा के नेता आपस में भिड़े। आगरा नॉर्थ से होते हुए आगरा साउथ जाएगा काफिला। इंटरनेट पर क्लिक के बदले कमाई पर 3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा। 7 लोगों से पोंजी स्कीम के जरिए डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर की ठगी। एसटीएफ ने कंपनी के मालिक अभिनव मित्तल, श्रीधर और महेश को किया गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार ने एप्पल के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अप्रैल से शुरू होगा आईफोन बनाने का काम। कर्नाटक के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने की पुष्टि। ईरान ने अपनी ताजा मिसाइल टेस्ट पर खारिज की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की चेतावनी। कहा, ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दावे बेबुनियाद दोहराए गए और उकसाने वाले। ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की तैयारी में अमेरिका। और भारत के लक्ष्य सेन बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग जूनियर में बने नंबर 1। सीनियर्स में पीवी सिंधु छठे तो वहीं साइना नेहवाल एक स्थान खिसक कर 9वें स्थान पर आई। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।